कल मूसेवाला साहब का भोग है, उस तो बाद असी जो सानू को मैसेज मिलेगा सड़कों तक जाम करांगे। असी पंजाब सरकार तो केंद्र सरकार तो यही मांग करते हैं कि यदि निरपक्ष जांच होवे, जिहड़े कातल ने उन्होंने फड़िया जाए, तो नाल दी नाल उन्होंने जिनी वध तो वध सज़ा फांसी तक की सज़ा उन्होंने दी जाए। निरपक्ष जांच तो होनी चाहिए है जिन्हों कहते, पर वो जांच ना जिहड़ा चले गया वह तो मुड़ना नहीं है, उही फिर कमीशन बैठ जाएंगे, उही जिन्हों कहते जी कमेटी होगी जी जांच करेगी अपनी रिपोर्ट बना दूगी, पर जिहड़ा चले गया उन्हें तो मुड़ के आना नहीं है। समराला तो कांग्रेस पार्टी के हलका इंचार्ज रुपिंदर सिंह राजा गिल उन्होंने पार्टी के वर्करा वालों सिद्धू मूसेवाले की याद में अज समराला दे गुरद्वारा श्री गुरु गोबिंद सिंह तो लैके समराला दे मेन चौंक तक पैदल मार्च करके कैंडल मार्च किया गया। उन्होंने पत्रकारों नाल गलबात करदिआं कहा कि सिद्धू मूसेवाला का कतल पंजाब सरकार वालों सिक्योरिटी वाच लैण कारण होया है, तो जिस कारण कांग्रेस पार्टी के सारे मैंबर के मनों के भारी रोस है। उन्होंने कहा कि जिस दिन तो आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो पंजाब विच लॉ एंड आर्डर की स्थिति दिनों दिन निगरती जा रही है। पंजाब ने एक बहुत ही होनहार जिन्हें पंजाब का पंजाबी का पंजाबीयत का पूरे वर्ल्ड सारी दुनिया के नाम मशहूर किया, वो अज इस दुनिया के नहीं रहा। उसका कारण पूरे पंजाब सूबे नूं भी पता है, देश नूं भी पता है कि उसका कारण की है, भी उसनूं थ्रैट सीगी, थ्रैट असैसमेंट हुई हुई सीगी, इंटैलीजेंस वालों चिट्ठियां इशू हुई हुई स्टेट गौरमेंट नूं भी उसनूं थ्रैट आई हुई है गैंगस्टर्स तो, भी उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ जिहड़ी पंजाब सरकार ने की वो कारण बनिया सब तो वड्डा उसकी जिहड़ी हत्या का हैगा। सिक्योरिटी विड्रॉ की नाल वो एडवरटाइज भी की, तुसीं आप तुसीं प्रेस वाले वीर हो, तुसीं आप तुहानूं पता है भी जिद्दण सिक्योरिटी विड्रॉ 400 कुछ जणियां दी पंजाब दे विच होई है, उस दे नाल नाल सारी सिक्योरिटी की डिटेल्स सारी प्रेस नूं इशू हुई हैं, अते ये गल्लां जिन्हां दे कोई ना कोई मंशा सीगी किसी का नुकसान पहुँचाउण दी उन्हां तक पुज गईआं, ते दो दिन दे विच विच ही उन्हां ने एडा वड्डा वाकया कर दिता। गल तो यह हैगी भी वह परिवार का एक कला ही सपुत्र सीगा, ठीक है इनक्वायरियां होणगियां जिन्हां ने यह कांड किया वह फड़े भी जाणगे, पर वह उन्हां दा परिवार दे विचों जिहड़ा बच्चा गया वह बच्चा जिन्हें जिन्हों कहिंदे हुंदे आ पूरे पंजाब का दुनिया के नाम मशहूर किया, हॉलीवुड बॉलीवुड इंटरनेशनल स्टेज के उत्ते म्यूजिक दे विच उसने नाम चमकाया, पर वो इस दुनिया तो चले गया। साड़ी कांग्रेस पार्टी का वह मानसा विधानसभा हलके तो 2022 दी चोणां दे विच उम्मीदवार भी सीगा, साडा पार्टी का भी बहुत बड़ा नुकसान होया इस दे नाल। तां अज सारिआं ने ब्लॉक कांग्रेस समराला वल्लों यह जिहड़ा कैंडल मार्च है ये उसनूं श्रद्धांजलि दे रूप दे विच गुरद्वारा गुरु गोबिंद सिंह गुरद्वारा साहब तो लैके इस चौंक तक अच्छ असी पुज के होर असी कुछ नहीं कर सकते, तो असी इस श्रद्धांजलि इस रूप दे विच उस नौजवान नूं दे रहे हैं, उस परिवार नूं असी दे रहे हैं, तो असी मंग करते हैं जिन्हों कहते होंगे हैं जिवें परिवार ने मंग गृह मंत्री भारत सरकार को की है कि यदि CBI इनकुआरी होनी चाहिए है, असी भी ये मंग करते हैं कि यदि CBI इनकुआरी होनी चाहिए है, जिहड़े दोषी हैं वह भी फड़े जाने चाहिए हैं, तो जिहड़ी सिक्योरिटी विड्रॉ हुई है उसकी उस भी जिहड़े रिस्पोंसिबल ऑफिसर्स हैं या जिहड़े बंदे हैं उन्होंने भी कार्रवाई होनी बनती। अज असी सिद्धू मूसेवाले की जो उन्होंने इंसाफ दवाने के लिए अपना समराला जो लोग अपने इंसाफ पसंद लोग ने उन्होंने तो रुपिंदर सिंह जी राजा गिल जी की अगवाई में हलका समराला तो कैंडल मार्च कढ़न लगे हैं, क्योंकि पिछे जे आपने देखे ही है कि एक नौजवान पुत पंजाब का गोलियां की भेट चढ़ गया, सो उसनू इंसाफ दवाने उसके कातलों सख्त तो सख्त सज़ा दवाने अज जो कैंडल मार्च है असी गुरु गोबिंद सिंह जी गुरद्वारा साहब तो लैके मेन चौंक का कढ़न जा रहे हैं। पंजाब की पोजीशन तो सामने ही है, आपने देखा कि रात भी असी न्यूज़ के सुनिया थोड़े प्रेस वालों के माध्यम के राही कि रात जदों सिद्धू मूसेवाले का कतल किया गया 5:30-6 बजे के करीब
सवा तीन बजे तक आल्टो कार नू लै के जिदे विच उह कातल सीगे फरार होए सी उहनू लै के लुका छिपी की खेड एक तरह के नाल सड़कां ते खेलदे रहे ने, पर उत्थे सरकार जां पुलिस की मैं नलायकी समझदा कि उन्होंने फड़ नहीं पाई। रात असीं न्यूज़ के सुनिया कि सवा तीन बजे उन्होंने मोगे जाके अपनी जो पेट्रोल है पवाया, मतलब 10 घंटे वो सड़कों पर लुका छिपी का खेल खेलते रहे, किसी ने कोई हाई अलर्ट नहीं किया, कोई उन्होंने फड़िया नहीं गया। मंग यही करते हैं कि परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। रोज़ रोज़ जो ये अपने नौजवान साढ़े शहीद हों अपने गोलियां मार के मकाए जा रहे हैं, इन्हों नत्थ पाने लकार छेती तो छेती जो कदम है चकना चाहिए, नहीं तो इस तरह प्रोटेस्ट चलते रहेंगे। अज असी कैंडल मार्च कढ रहे हैं, कल मूसेवाला साहब का भोग है, उस तो बाद असी जो सानू उपो मैसेज मिलेगा सड़कों तक जाम करांगे। पंजाब सरकार तो केंद्र सरकार तो यही मंग करते हैं कि यदि निरपक्ष जांच होवे, जिहड़े कातल ने उन्होंने फड़िया जाए, तो नाल दी नाल उन्होंने जिनी वध तो वध सज़ा फांसी तक सज़ा उन्होंने दी जाए।